ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। एक रूमी फिलॉसफी से स्टार्ट करता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यू आर अनकंडीशन स्प्रिट, यू आर अनकंडीशन स्प्रिट, ट्रैप्ड इन कंडीशन एज सन इन एक्लिप्स। हम सभी जब पैदा होते हैं अनकंडीशन होते हैं, हमारे अंदर के पोटेंशियल्स पावर 100% रहते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे चारों तरफ कंडीशनिंग होती जाती है और हरेक की कंडीशनिंग अलग अलग है। ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स, मीडिया, दोस्त, सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या थे, और उसके अनुसार उसका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जाता है और वो वही प्रोग्रामिंग लेकर बड़े होकर जीता है। जितने भी हमने बचपन के प्रॉब्लम देखे, जिसमें डिप्रेशन एक मेरा फील्ड है कैंसर से रिलेटेड, ये देखा कि कहीं ना कहीं उसके बचपन में वो कंडीशनिंग हो गई थी और इसके कारण आज हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में CAD डायबिटीज टाइप 2 कैंसर के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में आ गया है डिप्रेशन। और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो आगे चलकर डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज कई बीमारियों का। बीमारियों का कारण केवल डाइट एक्सरसाइज नहीं है, वो है, जेनेटिक है, पर सबसे बड़ा कारण आज देखने को जो मिल रहा है 90% से ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस। इवन कई कैंसर का कारण भी जो हार्मोनल कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, उसका कारण भी न्यूरोएंडोक्राइनल है। डिप्रेशन का कारण भी डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल जब डाउन हो जाता है डिप्रेशन आता है। तो नेगेटिविटी एक हर व्यक्ति का अपना एक फैक्टर है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों हर व्यक्ति में रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मेरे में पॉजिटिविटी 100% है या हर समय नेगेटिविटी रहती। दोनों फैक्टर चलते रहते हैं। दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर मैच खिलाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इमोशंस पर करता है। जो मेन प्रॉब्लम देख रहा हूं अब मैं, 2000 के पहले का प्रॉब्लम अलग था, अब 2000 के बाद के प्रॉब्लम बिल्कुल अलग हो गए और लास्ट 5 ईयर्स में तो टोटल बदल गया। हमारे में हायर ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन है, और लोअर ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है। अब जो देख रहा हूं इमोशनल ब्रेन डोमिनेंट होता जा रहा है, थिंकिंग ब्रेन कमजोर होता जा रहा है। व्यक्ति सोच कम रहा है, रिएक्ट ज्यादा रहा है। इसीलिए हम सभी देख रहे हैं सेल्फी के कारण कई डेथ्स हुई। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं जो नहीं करना, फिर भी कर रहे हैं। तो इसका कारण है कि लोअर ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। और जब होना ये चाहिए कि हमारे थॉट्स हमारे इमोशन को कंट्रोल करें, थॉट्स शुड कंट्रोल अवर इमोशन, पर अभी ये हो रहा है इमोशंस आर कंट्रोलिंग अवर थॉट्स। तो व्यक्ति को जो डिसीशन लेना चाहिए वो गड़बड़ हो रहा है। जो उसका हायर ब्रेन उसको गार्ड करता है, गाइड करता है, वो कम कर रहा है और लोअर ब्रेन से वो रिएक्ट करके डिसीशन ले ले रहा है और बाद में कह रहा है सॉरी ये मेरे को कहना नहीं था। ये बहुत अब हम देख रहे हैं।
क्योंकि ये एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड का निशानी है, जो सबसे बड़ा नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है उसका सोर्स है प्री ऑक्यूपाइड माइंड। हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो गया है, 100 फाइलें खुली हुई है, तो उसको क्या करना है इस समय पता नहीं है, क्योंकि वो इधर है ही नहीं, कहीं और है, और उसके कारण क्या कर रहा है उसको खुद को ही नहीं पता। दैट इज व्हाट इम्बैलेंस ऑफ इमोशनल एंड थिंकिंग ब्रेन। त्रिशित अरोड़ा लुधियाना में पैदा हुआ, 8वीं में फेल हुआ, फादर सोच रहे हैं क्या होगा, प्रिंसिपल ने कहा बच्चा कर नहीं पा रहा है, पर बच्चे को कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से। 8वीं के बाद जब फादर ने देखा बच्चा कंप्यूटर पे ही खेलता रहता है, करता रहता है, नया कंप्यूटर लाके दिया। धीरे धीरे उसने सब मास्टरी कर ली कंप्यूटर स्किल्स की, हैकिंग की। आज वो 22-23 साल का है और मल्टी मिलियनर है, और उसने कई कंपनी में कंसल्टेंट है। मैसेज क्या देना चाहता हूं मैं, एजुकेशन का रोल एक अपना है, आईक्यू का रोल अपना है, पर आज ईक्यू का रोल बढ़ गया। आईक्यू 20% सक्सेस देता है, ईक्यू 80% सक्सेस देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को नहीं पढ़ाओ, पर उसके अंदर का जो पैशन है उसको एक्टिवेट करते रहो। वो बच्चे ने आज कई उसकी ऑफिसेस हैं और आज कई जगह का कंसल्टेंट है। हैकिंग का जो प्रॉब्लम, कंप्यूटर्स का प्रॉब्लम जो अभी बढ़ रहा है क्राइम का, वो उसमें कंसल्टेंट का काम करता है। तो रोल खेल कहाँ का आ गया, अभी खेल आ गया है आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट कितनी काम कर रही है, इंटेलेक्ट कितनी शार्प है, इंटेलेक्ट कितनी फारसाइटेड है, इंटेलेक्ट कितनी प्रेजेंट में है, वो मैच जीत रहा है। और पहले की भी हिस्ट्री देखें इंडिया की, जितने भी टाइकून गए वो केवल सिंपल एजुकेशन में पढ़े हुए थे। अमेरिकन हिस्ट्री भी देखें, जो आज बिलियनर हैं वो भी सिंपल पढ़े हुए थे। तो जो लिमिटेशन हम खुद की क्रिएट करते हैं वो हमें बांध देती है, लिमिट में ले आती है। जितने भी मैंने प्री प्रोग्रामिंग देखे, अभी रिसेंटली एक बहन आई, उसको ड्रिप लगाना था, डायरिया था, वो नहीं नहीं, बहन छोटी नहीं, 24-25-30 की थी शायद, नहीं मैं नहीं लगा, कभी नहीं लगाया। मैं सोच रहा था प्रोग्रामिंग कहाँ से हुआ इसका। बचपन में माँ जब बच्चा तंग कर रहा है, माँ बच्चे को बोलती है चल डॉक्टर के पास सुई लगवाती हूँ। अगर माँ ने बच्चे को 100 बार बोल दिया, 200 बार बोल दिया चल डॉक्टर के पास सुई लगाती हूँ, उसका प्रोग्रामिंग क्या हो गया, सुई, दर्द, डॉक्टर। अब कई बार हम देखते हैं पेशेंट लेटा हुआ है, सिस्टर इंजेक्शन भर रही है, अभी लगाया ही नहीं है, दर्द हो रहा है। जैसे उस बहन को मुश्किल से लगाया, सेकंड डे कंफर्टेबल, यस मैं रेडी हूं, प्रोग्रामिंग चेंज हुआ। टोटल जो गेम हम खेलते हैं वो पूरा माइंड एंड बॉडी का खेलते हैं, और वही हमारा डोमिनेंट फैक्टर रहता है, ठीक होने में भी, बीमार होने में भी। अगर मेरे को ठीक होना है तो मेरा प्रोग्रामिंग ठीक है तो दवाई काम करेगी, अगर ठीक नहीं होना है पहले से ही मेरे को मालूम है तो ठीक नहीं होऊंगा, चाहे कितनी भी दवाई चेंज करके दें। तो
टोटल गेम हमारा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे चलता रहता है। हम अपने प्रोग्राम्स को चेक करें, कौन सा प्रोग्राम मेरे को तकलीफ दे रहा है, आइडेंटिफाई करें। बच्चे में भी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कई 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 बार उनको कहते हैं करो करो, बोलता है करता हूं, फिर कहता नहीं नहीं मैं यही ठीक हूं। कारण क्या था? कहीं ना कहीं जो बचपन का प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड में गया वो डोमिनेंट फैक्टर है। सबकॉन्शियस 80% है, कॉन्शियस 20% है। जो प्रोग्राम उसके अंदर हो गए वो अब डोमिनेंट गेम खेल रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया है, एक नेगेटिविटी। मैं अगर कहूं आज का फर्स्ट फैक्टर, सब है, एजुकेशन है, मकान है, पैसा है, जॉब है, सब है, नेगेटिविटी बहुत आती है। अब ये क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा बन गया है। एक बहुत बड़े सेंट ने 2004 और 5 में जाने के पहले कहा, आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाला समय ऐसा होगा जहां ये होगा, और अब हम देख रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट व्यक्ति को क्या करा देता है वो अब हम देख रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट सुसाइड करा देता है वो अब हम देख रहे हैं। पीटर ड्रकर ने भी कहा था 2004 में, मैनेजमेंट गुरु, उसने भी कहा था कि आने वाले समय में कुछ काम नहीं करेगा, नो फंडा विल वर्क, ओनली थिंग विल वर्क आप उसको कितना इम्पावर करते हो, और वो अब हम देख रहे हैं। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई करेक्शन नहीं करना चाहता, किसी को करेक्ट करो तो बड़ा कैसे ईगो टकराता। आज माँ बाप भी बच्चे को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वर्कर को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है, हर व्यक्ति ऑटोनॉमस हो गया है, हर एक को अपनी फ्रीडम डिग्निटी चाहिए। अगर मैंने उसको फ्रीडम डिग्निटी नहीं दी तो वो आपके साथ चलेगा नहीं। हमारे साथ नीचे शांतिवन में करीब 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, बाहर से आते हैं, ट्राइबल एरिया के हैं। मैं 97 से देख रहा हूँ उनमें क्या परिवर्तन आ गया, 97 में क्या था और अभी क्या है। उनको भी हम उनकी डिग्निटी को हर्ट करके काम नहीं करा सकते। मेरे को भी उनको जब मिलता हूँ, हेलो कैसे हो, ठीक हो, गुड, मुस्कुराता हूँ, तो मेरी कनेक्टिविटी उनसे बनी रहे, क्योंकि लीडरशिप का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कनेक्टिविटी। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड यू आर नॉट ए लीडर। MBA डिग्री अलग है, वो एक लॉजिकल डिग्री है, वो हमें वर्कफोर्स पर काम आती, पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे जो काम कराना है तो वहाँ अलग ही चीज चाहिए रहती है, और वो चाहिए रहता है ह्यूमन टच। अगर ह्यूमन टच नहीं है फेल्यूअर है। चलिए खड़े हो जाएं कुछ।
तो हर एक का अपना प्रोग्रामिंग रहता है। ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी एक इंसिडेंस दिया जो मैंने बुक में दिया। 9 साल के थे, पेड़ को पकड़कर लटके हुए थे। उनकी कजिन 8 साल की, वो भी पेड़ को पकड़कर लटकी थी। नौ साल के थे और 8 साल की पकड़ी हुई थी। हवा तेज हो गई। अब्दुल कलाम जी के फादर ने कहा, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा, देखना गिरना नहीं। लड़की गिर पड़ी। उन्होंने फादर से पूछा, मैं क्यों नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरे? अच्छा, और मैसेज क्या था? एक, होल्ड ऑन। ब्रेन ने कहा होल्ड। लड़की के मदर ने क्या कहा? देखना गिरना नहीं। ब्रेन क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, पकड़ना है कि गिरना है। तो उसने कहा, पहले गिरूं फिर पकड़ूं। यहीं पर मैच जीता जाता है, हारा जाता है।
यहीं पर मैच जीता जाता है, हारा जाता है। रियो ओलंपिक में अमेरिकन बच्चा फिलिप थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट ज्यादा था, मर्फी, उसने दो गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में। बचपन से वो लिखता आया था, उसकी स्कूल की डायरी चेक की गई, वो बचपन से लिख रहा था स्कूल की डायरी में, मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतूंगा, और उसने जीता। सेकंड का फर्क था, मिली सेकंड का फर्क था टच करना। उसके साथ दो और थे, जो टच कर गया वो गोल्ड मेडल, सिल्वर ब्रॉन्ज। मिली सेकंड के गेम में उसने मैच जीता। कहां से मैसेज आया? टेक्निकल स्किल दोनों की सबकी ठीक थी, टेक्निकल स्किल में हर कोई अभी मास्टर है, हर एक कोई वेल ट्रेन्ड है। जो मैसेज आ रहे हैं माइंड से, वो अंदर पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और जिसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया वो मैच जीत गया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं, और एंडोर्फिन्स हमारे को मसल पावर देते हैं। जब मैं कोई टारगेट फिक्स करता हूं और उसको प्राप्त करता हूं, मकान है, कार है, प्रमोशन है, मेरे अंदर डोपामीन निकलता है ब्रेन में, एंड आई फील गुड। जब मैं किसी की मदद करता हूं और वो काम करता हूं जो मेरे बियॉन्ड है, तो मेरे अंदर सेरोटोनिन निकलता है। जब मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं और करता रहता हूं, कनेक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी है, तो मेरे अंदर ऑक्सीटोसिन निकलता है, और ऑक्सीटोसिन हमारे को कई बीमारियों से बचाता है, इवन कैंसर से। कैंसर होने का कारण क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने तक सीमित हो गए हैं, तो वो हार्मोन निकलता नहीं है। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी उतना ये हार्मोन हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम देखें बिल गेट और वॉरेन बफेट हर साल $1 बिलियन देते हैं, क्यों देते हैं? डोनेशन देते हैं, इंडिया आते हैं, ट्रस्ट में देते हैं, क्यों देते हैं? रख सकते थे। जो प्रिंसिपल है लाइफ का, व्हाटएवर इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली। जो चीज फ्लेक्सिबल है, फ्लो कर रही है, वो बढ़ेगी। वॉट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। जो चीज रिजिड है वो खत्म होगी ही होगी, उसका नेचुरल लॉ है। अगर हम किसी चीज को रख दें, 2 साल बाद देख रहे हैं, तो उसमें डिटोरिएशन आएगा ही आएगा, चाहे कितनी भी गारंटी है। इसीलिए जो दिया गया है उसको मेरे को यूज करना है। लक्ष्मी को ऐसा दिखाया गया, लक्ष्मी खड़ी है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, करेंसी इज कमिंग एंड गोइंग। अब हम क्या कर रहे हैं? सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं सिस्टर। मूवमेंट कम से कम करें, एटलीस्ट सामने वाले।
डिपॉजिट कर रहा हूं, तो हमारा माइंड बॉडी को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कारोनरी में डिपॉजिट करते हैं, और इसलिए सीएडी नंबर वन किलर इन इंडिया एंड चाइना, कारोनरी आर्टरी डिजीज नंबर वन इन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने से डरे हुए हैं, हमारे में इनसिक्योरिटी ज्यादा है, फियर फैक्टर ज्यादा है, और वो तब आते हैं जब हमारा माइंड जो कंसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है, वो नेगेटिव कर रहा है। और यहां पर बहनें जो सिखा रही हैं, जो पहला लेसन कल सीखा होगा, क्या सीखा कल? कल क्या सीखा था पहला लेसन मॉर्निंग का? और बेटर बताइए। केवल मैं आत्मा नहीं, वो तो सबको मालूम है, आप यहां आओ नहीं आओ हर एक को मालूम है। और कुछ पॉजिटिव बताओ। मजा नहीं, सूखा मैं आत्मा हूं, वो तो सबको मालूम। उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? और पूरी साइकोथेरेपी फर्स्ट लेसन है। जो मेरे को मजा आया वो फर्स्ट लेसन का ही आया, मेरे को परमात्मा का इतना वो नहीं था, जितना फर्स्ट लेसन ने सिखाया आज वो अप्लाई कर रहे हैं। क्या था? और वो भी नेगेटिव है पॉजिटिव है? वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ बोलते जाए, थोड़ा खुलो बोलो। हाँ चैलेंजिंग द चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंज को चैलेंज करना, पर उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? और हाँ वेरी गुड, वहां तक चढ़ गई प्रॉब्लम। हर आत्मा, क्योंकि टाइम लिमिट है, मेरे को खत्म ही करना पौने 11, हर आत्मा एक ब्यूटीफुल है, हर आत्मा एक अलग है, हर एक आत्मा का सॉफ्टवेयर अलग अलग है, हर एक का बिहेवियर पैटर्न अलग अलग है, हर एक का पोटेंशियल अलग अलग है। अगर मेरा पोटेंशियल अलग है तो मैं अनवांटेड नेगेटिव कंपैरिजन दूसरों से नहीं करूंगा, मेरा जो पोटेंशियल है उसका बेस्ट यूज करूंगा, जैसे उस बच्चे ने करा। अगर उसको बार बार कहा जाता तू तो आठवीं फेल है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, पर बच्चे के फादर पॉजिटिव थे। थॉमस एडिसन इल्वा जब छोटे थे स्कूल जाते थे, एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने एक लेटर लिख कर दिया कि माँ को देना। माँ ने उसको पढ़ा और रोने लगी। बच्चे ने पूछा क्या लिखा? माँ ने कहा, प्रिंसिपल ने लिखा कि बच्चा बहुत अच्छा है, जीनियस है, उसको हम पढ़ा नहीं सकते, आप उसको घर में पढ़ाओ। माँ ने पढ़ाया और हम सभी जानते हैं उसने क्या क्या किया, कई जगह फेल हुआ पर इन्वेंशन किए और सदी का साइंटिस्ट बन गया। सिटी उसके नाम पर है, टाउन उसके नाम पर है यूएसए में, एडिसन करके उसका मेमोरियल है। एक दिन जब उसकी माँ चली गई थी, अलमारी साफ कर रहा था, तो उसको वही लेटर मिला जो बचपन ने प्रिंसिपल ने लिख के दिया था।
उसने वो खोला तो देखा प्रिंसिपल ने लिखा था आपका बच्चा वीक है, मेंटली टोटली वीक है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, आप घर पे पढ़ाओ। खेल कहां बदला गया, मां ने क्या कर दिया? मां ने टोटल प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया। अगर मां भी कह देती प्रिंसिपल ने ये लिखा है तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच्चा खत्म हो गया था। इसीलिए कभी भी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा मत दो। कम से कम एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं बोलो। जिस दिन बच्चा परीक्षा देने जाए उसको कहो आई लव यू, आई एम विथ यू, तो बच्चे के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर बच्चा मेजॉरिटी अच्छा पढ़ता है, पर जब वो हॉल में आता है फियर चालू होता है। एग्जाम देने जा रहा हूं, वाइवा देने जा रहा हूं, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, सब अच्छी प्रिपरेशन की, अंदर घुसा फियर चालू। अब फियर में हमारा ब्लड यहां नहीं रहेगा, फियर में ब्लड यहां आएगा। ब्लड चाहिए यहां, ब्लड आ गया यहां, तो जो उसने पढ़ा था वो भी याद नहीं आएगा। इसीलिए ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा फियर का अर्थ है FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो डर रियल नहीं है हमने उसको अंदर रियल बनाकर रख दिया। और मेरी प्रोग्रामिंग हो गई, उसका पॉजिटिव मीनिंग है फेस एवरीथिंग एंड राइज, हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ। जिस चीज से बच्चे को डर लगता है वो कराओ, उसका प्रोग्रामिंग ठीक होता जाएगा। उसी को साइकोलॉजी में कहा जाता है डिसेंसिटाइजेशन। 99% फियर रियल नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा फेल का अर्थ क्या, फेल का अर्थ उन्होंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल कुछ होता ही नहीं है। अगर आत्मा का लेसन क्लियर हुआ तो फेल और सक्सेस कुछ है नहीं, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, पर हमने उसको इतना अटैच कर दिया तो हमारे इमोशन उसको पकड़ लेते हैं। अरे तू तो काम का ही नहीं है, आई एम वर्थलेस, सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड क्या है, स्टेटमेंट क्या है, आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम वर्थलेस, मैं पैदा ही क्यों हुआ। कई लोग मेरे को एक बड़ा डॉक्टर, आई एम वर्थलेस, पैदा ही क्यों हुआ। तो हम क्या करते हैं, खुद को ही कंफ्लिक्ट करते रहते हैं। जितना यहां पर कंफ्लिक्ट होगा यहां पर कंफ्लिक्ट होगा। जो मेरे बॉडी में हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, उसका कारण यहां है। डरा हुआ हूं तो ब्लड यहां है तो रिपेयर हो नहीं रहा है। बॉडी में 90% रिपेयर रात को होता है इंटेस्टाइन में, अब यहां ब्लड है ही नहीं, यहां है तो बीमारी आएगी। इसीलिए एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा कहा, जो मेरे फील्ड का ही है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, बर्नी सीगल, डॉक्टर बर्नी सीगल, किताब लिखी है लव मेडिसिन मिरेकल। उस किताब में लिखा उसने इल का अर्थ क्या, ILL, इल। उसने लिखा इल का अर्थ है I lack love। मैं अपने को प्यार ही नहीं कर रहा हूं, देख ही नहीं रहा हूं, भाग रहा हूं,
फाइलें खुली हुई है, खुद को ही देखने का टाइम टाइम ही नहीं है, कहाँ देखूं अपने को। मैं कहता हूं आप रोज एक घंटा अपने को दो, ब्रीदिंग करो, वॉक करो। नहीं नहीं टाइम ही नहीं है। अब ये क्या कहें, इसको दादी जान की सिंपल वर्ड में कहती है हमारी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी, जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो कहती हैं फेल्यूर, मैनेजमेंट फेल्यूर। पहला अपॉइंटमेंट जब एयर फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, वो कहती है एयर प्रेशर कम होगा, नीचे आएगा, पहला मास्क खुद पर रखो फिर दूसरे पर रखना। वो ये नहीं कहते हैं दूसरे पे पहले रखना, आप बाद में रखना, तब तक तो गया। तो जब तक मैं अपने को एनर्जी नहीं दूंगा, ऑक्सीजन नहीं दूंगा, दूसरों को क्या मैनेज करूंगा। रोज सुबह मेरे को एनर्जी देना पड़ती है, मेरे को भी देना पड़ती है। रोज सुबह पहला थॉट ही मेरे को निकालना पड़ता है, आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। खड़े हो जाएं। एक घंटे से ज्यादा इंडियन व्यक्ति बैठेगा तो उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ता है, स्ट्रोक का बढ़ता है। ठंडी के दिनों में एक से दो घंटे से ज्यादा कभी नहीं बैठना, ये क्लियर कट रूल है। 10,000 कदम रोज चलना है, ये सेकंड हार्ट है। अगर ये ब्लड फेंकेगा नहीं, वापस नहीं आएगा, हार्ट अटैक होगा। इसीलिए हर एक दो घंटे में खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ करो। हाँ कहिए अपने को, आज का दिन बहुत अच्छा है, टुडे इज अ ग्रेट डे, आई लव माय सेल्फ, आई लव यू माय हार्ट, आई लव यू माय लंग्स, आई लव यू माय नीज, आई एम थैंकफुल टू गॉड, यूनिवर्स, फाइव एलिमेंट्स फॉर गिविंग मी टूडे। आज जिंदा रखा उसने, सुबह उठा देखा जिंदा हूं, इसका अर्थ क्या है, मेरे को आज पूरा करना है। नहीं तो रात को ही पोस्टिंग ऑर्डर दे देता, कहीं और जाता। अगर पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिया है तो आज का दिन मेरे को करना है। स्टीव जॉब्स से भी पूछा गया था, आपने अपनी कंपनी को टॉप पर कैसे ले गए, एप्पल कंपनी को जो आज तक चल रही है, डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। उसने कहा रोज सुबह उठता था, पूछता था अगर आज का दिन आखिरी है तो क्या करना है, इफ टुडे इज माय लास्ट डे मुझे क्या करना है। और यही फंडा ब्रह्मा बाबा ने दादियों को सिखाया था। दादियां कहती थी कि अगली दिवाली आएगी नहीं, मैं सोचता था क्या हो रहा है, पर अब समझ में आया दादियों ने क्यों कहा कि हर दिन तेरे को पूरी एनर्जी लगानी है। दूसरा उसने कहा जो करते हो उसको प्यार से करो, लव इट। छोटा काम कर रहे हो, लव इट। कोई बड़े काम से मिलियनर नहीं बनता है, छोटा काम ठीक कर रहा हूं तो वो बड़ा काम भी ठीक होगा। अगर इस पे ही अटेंशन नहीं है तो वो बड़ा काम भी ठीक नहीं होगा। फोकस का पूरा गेम है, जितना फोकस होगा उतना 100% सक्सेस। मेरा अभी मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आया, एक दो को दिखाया, करा मास्टर एक्सपर्ट, फिर तीसरे भाई को जो मैं जानता हूँ उसको बैठा, हम दोनों बैठ गए आधा घंटा, उसने पूरा फोकस मोबाइल रख दिया अपना, फोकस करके ठीक करके दे दिया। अब वो इतना एक्सपर्ट नहीं था, पर मैंने देखा फैक्टर क्या निकला, वो पूरा फोकस था, 100% वही था, मैं और वो आधा घंटा बैठे रहे। मैंने ऐसे दे नहीं दिया, मैं भी बैठा रहा। तो पूरा गेम लाइफ का सक्सेस वहीं का वहीं होता है कि मैं इस समय यहां पर हूं कि नहीं हूं। फिर से हाथ उठाएं, आई एम द बेस्ट, आई लव यू, आज का दिन बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल, सब अच्छे हैं। एक दूसरे को देखिए और कहिए बहुत अच्छे हो तुम, आहा हा हा हा, हाँ करिए करिए, आहा हा हा हा,
हाँ, मजा नहीं आया, अरे यार हंसने में भी इतना प्रॉब्लम, फिर से कर, मैं कल ही टीवी पर देख रहा था, चलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेना है और छोड़ना है, जब लो तो हो बहुत अच्छे हो, यू आर टू गुड। टीवी की एक एडवर्टाइजमेंट थी, याद नहीं आई, फिर बताता हूँ, चलिए शुरू करें सेकंड। जय गणेश। I'm
जो एग्जाम्पल दे रहा था, एक मूवी का है, नाम नहीं मालूम, गोविंदा और एक और है, दोनों एक लड़की को चाहते हैं, अलग अलग तरीके करते रहते हैं, एंड में दोनों फ्लावर लेकर जा रहे हैं, रिंग लेकर जा रहे हैं, वहां पहुंचते हैं कोर्ट में, तो देखती है लड़की आ रही है, उनसे मिलती है और फिर बुलाती है, उसका नाम भी प्रेम था, सलमान खान, इससे मेरी आज शादी हो गई। दोनों वो हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब चलना तो है ही आगे, दोनों फिर निकल पड़ते हैं। तो लाइफ का भी क्या है, कभी देती है एक्सपेक्टेशन जो हमने किया वो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। कभी भी हमें उसके कारण नेगेटिविटी नहीं आए। मैं एंड करूंगा बाद में, एक राष्ट्रीय गीत सुनते हैं। अर्चना बहन म्यूजिक टीचर है। थैंक्स, थैंक्स सो मच। मातृभूमि गगन गूंजता रहे गगन मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन गूंजता रहे गगन स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो रोम रोम मेरमा स्वधर्म संस्कार हो आरती उतारती प्राण दीप हो मगन सारी गरे सारी गरे सारी गम प मगरे सारी गरे गम गम प म पद पदनी सरी रे रे आरती प्राण दीप हो मगन मातृभूमि गान से
भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय हिंद। ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो, धर्म आसरा लिए मोक्ष काम अर्थ हो, जन्म भूमि आज फिर देश का बने सदन, मात्र भूमि गान से गूंजता रहे गगन, गूंजता रहे गगन, गूंजता रहे गगन। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय हिंद। ओम शांति। आखिरी के क्या डांस कभी भी करिए, खाली पेट होना चाहिए, ज्यादातर खाली पेट आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, स्ट्रेचेबिलिटी है, धीरे धीरे करना है फिर बढ़ाना है। लेवल यही है कि धीरे धीरे करें फिर बढ़ाते जाएं और हार्ट बीट को 110 100 तक ले जाएं धीरे धीरे। पहले 70-80, फिर अच्छा कंफर्टेबल लेवल आया बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते 110 तक आ जाए गुड लेवल, क्योंकि दो लेवल पर व्यक्ति मैच हारता है। एक है जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उस समय हार्ट बीट बढ़ती है, ब्रीदिंग बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट में सो रही है, अंदर ही अंदर थॉट्स आ रहे हैं, एड्रिनल खूब निकल रहा है, क्या होगा। अगर मैंने पहले से हार्ट को लंग को ट्रेन किया है, कार्डियो पुलमोनरी ट्रेनिंग दे रखी है कि तू 110 पर भी कंफर्टेबल रहेगा, तो उस समय कुछ नहीं होगा। मैं भागकर ट्रेन को या फ्लाइट को जो भी करना है पकड़ लूंगा। दूसरा लेवल होता है लो लेवल, जब हमें सडन शॉक हुआ, कोई ऐसी खबर आई बच्चे की कुछ, उस समय हमारा हार्ट बीट बीपी 60-40। उस समय अगर मैंने ट्रेन नहीं किया अपने हार्ट को तो भी वो मैसिव हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जो हम सीख रहे हैं। मैं आजकल कहता हूँ मेडिटेशन का ये मतलब नहीं कि आपको भगवान को याद करना है, वो एक है, पर मेन है हेल्थ के लिए। मेडिटेशन से मैं अपनी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ, 50-60 तक ला रहा हूँ ब्रीदिंग, कम ब्रीदिंग पर ऑक्सीजन जा रहा है। और अगर मेरी ये कार्डियोपल्मोनरी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कोई सडन शॉक आया वो गड़बड़ नहीं करेगा। आई विल बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जो टाइटल दिया है चैलेंजिंग द चैलेंजेस। चैलेंज आया पर मेरा सब ठीक चल रहा है, ब्रेन डिसीजन ले रहा है, पैनिक नहीं हो रहा, और पैनिक नहीं हो रहा हूं तो ऑक्सीजन ठीक मिलेगा और डिसीजन ठीक होगा। इसी पर मेरे को याद आया, अभी एक टॉप मोस्ट कंपनी के, मैं नाम नहीं दूंगा, उससे पूछा गया, जिसकी सैलरी करोड़ में है पर मंथ, उससे पूछा गया जब लोग इंटरव्यू देने आते हैं आप कौन सा क्वेश्चन पूछते हो उनसे। उसने कहा एकेडमिक कैरियर सबका एक जैसा, वो हम देखते ही नहीं है, किस कंपनी में मैं था, वहां मैंने बहुत अच्छा किया बोला, वो हम देखते ही नहीं है।
हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कौन से फेल्यूअर जब आपके लाइफ में हुआ, कंपनी में हुआ, आपके जीवन में हुआ, उसको आपने कैसे ठीक किया, हाउ यू मैनेज दैट फेल्यूअर, वो हम पूछते हैं और उसको आधा घंटा उस पर बोलना पड़ता है। तो क्वेश्चन कहाँ से हो गया, पहले फाइल की फाइल चलती थी, ये डिग्री, ये कॉलेज, ये वो, अब वो खत्म हो गया। टोटली आपका आउटकम क्या है, आप मेरे कंपनी को क्या दोगे, आप मेरे कंपनी में आ रहे हो तो मेरे को क्या उससे एडवांटेज है, वो उनका मेन फंडा रहता, हाउ यू विल हैंडल सेटबैक। और वहीं पर मैच जीता जाता है, हारा जाता है। एक जैन साध्वी से पूछा गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि इंडियंस इतना पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, जाकर जॉब करते हैं, पर प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं और दूसरे बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं, जिस कंट्री में है वो मिलियनर बिलियनर रहते हैं और ये पढ़े हुए ज़्यादा हैं। तो उसका एक ही आंसर था, क्योंकि हमारे इसमें क्लियर विजन नहीं है क्या करना है, क्लियरिटी नहीं है कि मेरे को क्या करना है। अगर क्लियरिटी है मेरे को क्या करना है, जैसे उस बच्चे में था, जैसे एक अहमदाबाद के बच्चे में था, एक साल पहले 12th में टॉप लिया, लोग सोच रहे थे वो IIT जाएगा, फॉरेन जाएगा, उसने अगले दिन शेव कराकर जैन साध्वी बना। मैं सोच रहा था कितना क्लियर कट डिसीजन, कोई थॉट नहीं, लोग कह रहे हैं ये, उसने अगले दिन, और मिलियनर, फादर मदर पैसे वाले, ऐसा भी नहीं। तो ये क्या होता है, जो क्लियरिटी रहती है, डिसीजन पावर है, परखने की शक्ति है, वो तब आती है जब हमारा माइंड और बुद्धि, मन और बुद्धि एक लेवल पर काम कर रहा है। एंड करता हूं, हर एक में दोनों फाइलें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। पहली चीज है, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी देखो, सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, जो हो रहा है ठीक है और जो वो कर रहा है ठीक है, मेरे को क्या करना है, हाउ आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ, मेरे को क्या कंट्रोल करना, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है, अपने हाथ में रखना है, वो कुछ भी कर रहा है पर मेरा रिमोट मेरे में। अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं उसके गुस्से को देखकर, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, तो मैं हार गया। अभी ये सिंपल एग्जांपल मैं अपना ही देता हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आया। शांतिवन में हॉस्पिटल गया, क्लास जाने के पहले बाई साफ कर रही थी, पोथा लगा रही थी। अब वो नए वहाँ आते हैं, कोई जानता नहीं कौन है, डॉक्टर क्या है। मैं साइड से दवाई उठाना थी तो वहाँ साइड से लेकर दवाई लेने गया, उसने थोड़ा मुंह बनाया और खराब कर दिया। मैंने कहा अपने को शांत रहना है, उसको थोड़ी मालूम मैं कौन हूँ। सिस्टर बैठी थी अंदर, जब तक वो बाहर आए मैं दवाई लेकर आ गया, कुछ नहीं बोला। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आज मैं जीत लिया, तेरा ईगो हर्ट नहीं हुआ। अब अंदर गया क्लास में, बैरियर लगा हुआ था, एक ही दिन में दो पेपर आ गए, मैंने कहा आज क्या हो रहा है। बैरियर लगा था, वहाँ भी नया छोटा यंग लड़का खड़ा था, सेवा में देते हैं उनको कि यहाँ जाने के लिए रोकना फ्रंट के लिए। मैं गया, बोला नहीं नहीं आपको पीछे जाना है। मैंने कहा नहीं वो सीट है, नहीं नहीं पीछे जाना है। इतने में पीछे से एक भाई आ गया, उसने उसको समझाया और मैं गया। मैंने बिल्कुल मुस्कुराया और बैठ गया। अब मैं सोच रहा था अगर दोनों में मैं रिएक्ट कर देता, ए तू समझता नहीं मैं कौन हूं, मैं तो मैच हार गया था, मैं तो हार गया था।
पर उस समय मैंने कहा ये दोनों ने आज मेरे को एग्जाम दिया, एग्जाम पेपर दिया, और उन एग्जाम में अगर आप खुश हो जाते हो, पास हो जाते हो, कितना अच्छा लगता है। दिन भर मेरा डोपामीन बढ़ता गया, ऑक्सीटोसिन बढ़ता गया, आह आज मजा आया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आए उस दिन समझना आप ठीक नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम आना खुशी की निशानी है। तो जब कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए, आएगा, हर एक को आता है, दोनों फाइलें हैं, उस समय उसको पहला वर्ड मैंने बुक में भी दिया, क्राफ्ट, CRAFT। पहला शब्द है सी, कैंसिल, आ रहा है मेरे को, बोल रहा है, रिएक्ट कर, कैंसिल। आर, रिप्लेस इट बाय पॉजिटिव। जिस क्षेत्र में मैं वीक हूं, जिस एरिया में मेरा माइंड वीक है, हर एक का माइंड एक एरिया में वीक रहता है, उस एरिया को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करो। अगर मैं बार बार रिएक्ट करता हूं, गुस्सा आता है, तो मेरे को प्रोग्रामिंग देना पड़ेगा मैं शांत स्वरूप हूं। 3 महीने तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब टाइम मिलेगा मैं कहूंगा शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप, आई एम पीसफुल। 3 महीने में वो ब्रेन में अपना नया रूट बना देगा और उसको मेरे को एक करना पड़ेगा, अफर्म, उसको बार बार सामने लाना पड़ेगा, जैसे मर्फी ने लाया गोल्ड मेडल जीतना, अफर्म। फोकस, एफ का अर्थ है फोकस करना पड़ेगा उसको कि आई एम पीसफुल, आई एम फीलिंग इट, फीलिंग इट। और टी का अर्थ है ट्रेनिंग आपकी चलती रहे, गो ऑन चेंजिंग योर प्रोग्राम्स, गो ऑन चेंजिंग योर स्ट्रेटजीज एवरी डे। स्ट्रेटजीज को जितना बदलते रहेंगे मैच आएगा। स्किल्स का रोल 20% है, स्ट्रेटजीज का 80% है। कब क्या देना है, क्या बोलना है, वो आपको सीखना पड़ेगा, हम सभी को सीखना पड़ेगा। चलिए खत्म करते हैं। तेरी मेरी कहानी है।
मौजू की रवानी है, ला 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 बहुत बहुत थैंक यू अर्चना बहन.